तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रीसेंट रिलीज हुई मूवी औरों में कहा दम था। इस मूवी में अजय देवगन और तब्बू की केमिस्ट्री को दिखाया गया है, जहां पर जिमी शेरगिल भी एक छोटे से रोल में है, पर उनका किरदार बहुत ही उम्दा है, मानो पूरी मूवी में जान डाल देता है। तो हम लोग ज्यादा देर ही नहीं करेंगे, चलो एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमको 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम मुंबई के एक दरिया का सीन देखते हैं, जहां पर हम कृष्णा और वासु को देखते हैं, जो कि एक साथ बैठे हुए थे। यहां पर ये दोनों कभी ना बिछड़ने की कसमें खा रहे थे। कल कृष्णा चला जाएगा जर्मनी, उसको कंप्यूटर का इंटर्नशिप मिला है। उधर वो बोलता है कि 2 साल बाद आऊंगा, फिर सब कुछ ठीक कर दूंगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। तब वासु बोलती है, मैं तुमसे कहीं बिछड़ तो नहीं जाऊंगी अगर हमारे बीच में कोई आ जाता है तो। तब कृष्णा बोलता है, हमारे बीच में कोई नहीं आएगा, अगर आता है तो मैं ये दुनिया ही जला दूंगा और इनकी किस्मत में कुछ और लिखा था। फिर हमको 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और हम लोग मुंबई की जेल को देखते हैं। कृष्णा अपनी सजा काट रहा है, उसको 20 साल की जेल हुई है। जेल में कोई कृष्णा के साथ उलझता नहीं है, वो किसी के साथ पहले तो नहीं लड़ता, पर अगर कोई उसका हद पर चला जाता है तो वो उसको नहीं छोड़ता। जेल के बाकी कैदी के साथ वो बहुत ही अच्छे से रहता है, पुलिस वालों की भी वो मदद करता है, पर जो भी उसको जेल में देख रहा है, इतने सालों से वो ना कभी इतना हंसा ना कभी कुछ बोलता है, वो हमेशा खामोश रहता है, मानो उसके मन में अपना ही संघर्ष चल रहा है। कोई नहीं जानता कि उस रात क्या हुआ था, सिर्फ पता है कि 2 खून करने की वजह से आज कृष्णा जेल में है। वो इस बारे में किसी से बात भी नहीं करता। देखते देखते 20 साल हो चुके हैं, कृष्णा की रिहाई में सिर्फ और 1 दिन बचे हुए है, वो भी कॉन्सेशन से, क्योंकि कृष्णा ने इतने अच्छे बिहेवियर जेल में दिखाया है, सबसे इतने पोलाइटली वो रहा है, इसलिए उसकी सजा कम हो चुकी है। फिर हम देखते हैं कृष्णा को आईजी साहब बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी सजा कल खत्म होने वाली है, पर तुमने एक एप्लीकेशन फाइल किया है, जेल से रिहा ना करा जाए, तुम्हारी जो पूरी सजा है वो तुमको दी जाए। ऐसी रिक्वेस्ट की कोई खास वजह? लोग तो इधर से छूटना चाहते हैं। तब कृष्णा बोलता है कि सर मैं बाहर के लिए रेडी नहीं हूं, मैं बाहर की चीजों को फेस नहीं कर पाऊंगा। और आईजी साहब तब बोलते हैं, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है, तुमको कल ही रिहा करे जाओगे। फिर हम जेल के बाहर उसके दोस्त जिग्नेश को देखते हैं, जो कि जेल के अंदर एक फोन भिजवाता है, उसे बात करने के लिए वो जेल के अंदर वो मैसेज पहुंचाता है कि बहुत मुश्किल से तुझे बाहर निकाल रहा हूं, ऐसा तू मत कर, कोई भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट मत कर। और दूसरे जगह हम वासु को देखते हैं, जो कि आज भी वेट कर रही होती है, और वो से जिग्नेश फोन पर बात भी करती है, और वो जिग्नेश से बोलती है कल वो बाहर आ रहा है, एक बार वो बाहर आ जाए तो मुझे जरूर बताना। फिर हमको उस रात कृष्णा के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, 20 साल पहले वो लोग एक चौल में रहा करते थे, जहां पर वासु और कृष्णा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कृष्ण का कोई फैमिली नहीं था, माता पिता बचपन में गुजर चुके थे, वो मुंबई रहने के लिए आया था, कंप्यूटर में बहुत तेज था, इसलिए कंप्यूटर में उसने डिप्लोमा कर लिया और बाहर कोशिश करता गया कि उसको एक जॉब मिल जाए। फिर वासु के फैमिली से वो बात करे, और वासु भी अभी पढ़ाई कर रही होती है, वो चाहती है कि पढ़ाई वो कंप्लीट करके अपनी भाई बहनों को भी अच्छी जगह स्टेबल करे, क्योंकि उसके पापा नहीं है, मम्मी सिर्फ घर चलाती है, और उसको भी लाइफ में कुछ ना कुछ बनना था। कृष्णा इस चीज को सपोर्ट करता है और बोलता है कि तुम लाइफ में बहुत बड़ी बनोगी, मैं दिल से चाहता हूँ। फिर हम प्रेजेंट डे को देखते हैं कि कृष्णा जेल से छूटता है, वह जेल से छूटते ही पहले तो जिग्नेश से मिलता है और वो बोलता है कि मुझे उस चौल में ले चल, इतने सालों बाद वो कैसी दिखती है मुझे एक बार देखना है। जिग्नेश फिर कैसे भी जुगाड़ लगा के उस चौल में लेके चला जाता है, क्योंकि 20 साल बाद उधर और कोई फैमिली रह रही होती है, और वो वासु को भी बता देता है कि कृष्णा जेल से छूट चुका है, अभी वासु के लाइफ में कोई और है और उसकी शादी भी हो चुकी है। पर कृष्णा के लिए उसकी तरफ देख के आप लोग समझ पा रहे होंगे कृष्ण के लाइफ में क्या कुछ हुआ है, इन दोनों ने बहुत कुछ साया है। कृष्णा फिर चौल में जाता है और धीरे पुराने दिनों की याद उसे आ रही होती है, कैसे वो लोग होली खेल रहे थे, कैसे वो लोग त्योहार में मिलते थे, कैसे वो लोग एक साथ रहा करते थे। कृष्णा मानो उस दर्द से उभरा नहीं था, 20 साल बहुत होते हैं। जब वो जेल में गया था तब वो मानो कॉलेज में पढ़ता था। फिर देखते हैं कि वासु उसे मिलने के लिए आती है, पर कृष्णा ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि उसे लगता था कि वासु उसे भूल चुकी होगी, वो कभी नहीं आएगी, पर वासु आई, वही दर्द के साथ वो दोनों एक साथ मिलते हैं और गाड़ी में बैठ के वही मुंबई के दरिया के पास चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं, जहां पर 20 साल बाद वासु कृष्णा से बोलती है कि मैंने हर दिन तुमको याद किया, कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैंने तुमको याद नहीं किया। तभी कृष्ण मुस्कुराता है और बोलता है, मेरी जिंदगी में तुम्हारी याद के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मुझे तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है।
जो भी याद है वो तुम्हारे ही नाम है। तभी वासु बोलती है कि मेरा हस्बैंड अभिजीत तुमसे मिलना चाहते हैं। मैंने उन्हें हम दोनों के बारे में सब कुछ बता दिया है। तब कृष्णा शॉक हो जाता है और बोलता है, तुमको मैंने मना किया था, सब कुछ बताने के लिए ये सिर्फ हमारा था। फिर भी वासु उसे मना लेती है उसके साथ जाने के लिए और अभिजीत से मिलने के लिए। फिर से हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं और हम देखते हैं 20 साल पहले एक कैफे में कृष्णा टली क्या करता था, मतलब हिसाब रखा करता था। तो अंकल से वो बातचीत कर रहा होता है और अंकल को सब कुछ समझा के वो जब लौट रहा होता है तो वो गाड़ी की चाबी अंकल के दुकान में ही भूल कर चला जाता है। और फिर से जब वो दुकान में चाबी लेने के लिए जाता तो देखता है कि अंकल को कुछ गुंडे मिलके घेर के रखे हैं, पर एक को वो पहचान जाता है और उसकी धमकी से वो तीनों उधर से भाग जाते हैं। अंकल उसे बहुत शुक्रिया बोलते हैं। फिर कृष्णा अपने चौल में चला जाता है। चौल में जाते ही वो उस लड़के को बुलाता है जो कि चौल का ही होता है, जो बाहर ऐसे गुंडागर्दी करने जाता है। बस उसे दो तीन चांटे लगाता है और बोलता है, तू अपने माँ बाप के बारे में सोच, ये सब कुछ मत कर, मैं चाहूँ तो तुझे पुलिस को भी दे सकता हूँ। फिर उन दोनों में थोड़ा कहासुनी हो जाता है और चौल के सारे लोग भी देख रहे होते हैं। फिर प्रेजेंट डे में हम देखते हैं वह लोग अभिजीत के घर पहुँचते हैं और फिर अभिजीत और वो बातें कर रहे होते हैं। चरी में कुछ काम आ जाता है पर वासु बाहर चली जाती है। अभिजीत बहुत ही नॉर्मल था। वो पहले तो कृष्णा को बहुत थैंक यू बोलता है, जो कुछ भी उसने वासु के लिए किया है इसके लिए वो बहुत शुक्रगुजार है। और ये बोलता है, आज तुम नहीं होते तो हम दोनों साथ नहीं होते। उस दिन तो मुझे वासु ने पूरी कहानी सुनाई थी कि उस रात को क्या हुआ था, पर मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। पहले तो कृष्णा बहुत हिचकिचाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। बाद में अभिजीत के बहुत कहने पर वो बताता है, उस दिन सुबह मुझे कंपनी से एप्लीकेशन मिला था कि जर्मनी के लिए सेलेक्ट हो चुका हूँ। मैं बहुत ही खुश था वासु के साथ मिलके, मैं ये खुशखबरी उसको देना चाहता था। मैंने उससे मिला और सारा दिन हमने घूमा, लाइफ में आगे क्या क्या करेंगे पूरा सब कुछ हमने प्लान कर लिया। फिर उस दिन सारा दिन घूम के जब हम चौल में पहुँचते हैं, वो बोलती है कि मेरे अंदर जाने के 5 मिनट बाद आना की माँ को पता ना चले। मैं चाहती हूँ सबके सामने तुमको अच्छे से इंट्रोड्यूस कराओ। फिर मैं वासु को उधर छोड़ के चला जाता हूँ और हमने आखिरी बार गुड बाय कहना चाहिए था क्योंकि कल मैं चला जाऊंगा और उससे मेरा मिलना नहीं होगा। आगे से फिर वासु अपने चोल की तरफ जा ही रही होती है। जिन तीनों लड़कों को मैंने उस दिन अंकल के दुकान में डराया था, तीनों लड़कों में से पकिया भी था जिसको मैंने चौल के बाहर थप्पड़ मारा था। वो मुझसे बदला लेने के लिए वासु को उधर से किडनैप करके एक चावल की फैक्ट्री में लेकर चला जाता है दुष्कर्म करने के लिए। उधर उसके दो दोस्त भी होते हैं। बस उसने आखिरी बार मुझे चीख भी लगाया और वो चीख सुन के मैं फैक्ट्री के अंदर गया। अंदर जाते ही मैं आग बबूला हो गया। वासु को उन लोगों ने बहुत मारा था, पर वासु को उधर से छुड़ा लेता हूँ और तीनों को बहुत मारता हूँ और दोनों को जान से खत्म कर देता हूँ, पर पकिया उधर से भाग जाता है। फिर मैं वासु को बोलता हूँ कि तुम इधर से चले जाओ, तुम्हारे सामने पूरी लाइफ पड़ी हुई है, तुम्हारी एक फैमिली है, तुम्हारे मम्मी है, मेरे तो आगे पीछे कोई भी नहीं है। मैं कुछ दिनों बाद ही बाहर चला आऊंगा, तुम अगर अंदर गई तो मैं ऐसे ही जीते जी मर जाऊंगा। वासु तो बहुत रोती है पर मैं उसको जोर जबरदस्ती उधर से भेज देता हूँ। फिर उन दोनों लड़कों के बॉडी को लेके मैं बाहर चला आता हूँ। फिर पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेती है और मेरे ऊपर 20 साल की सजा हो जाता है। इतना ही था, पर अभी भी पकिया जिंदा था इसलिए वासु से मैंने एक वादा लिया कि तुम शहर छोड़ के चले जाओगे और एक अच्छी जगह शादी कर लोगे। मैं तुम्हारी लाइफ बसा हुआ देख के मैं भी इधर अच्छे से खुश रहूंगा, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा और वासु मेरी कोई बात को टालती नहीं है। पर आज जब पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मुझे अभी कोई टेंशन नहीं है इसलिए मैं दुबई जा रहा हूँ। तो अभिजीत पूछता है, पकिया तो अभी भी बाहर है? तभी कृष्णा मुस्कुराता है और बोलता है, एक बड़े गैंगस्टर को मारने की सजा में शहर के सारे छोटे मोटे गुंडे जेल के अंदर आए थे, उन सारे कैदियों में से मुझे पकिया दिख गया, इसलिए उस गैंगस्टर को जाकर बोलता हूँ कि तुमको मैं प्रोटेक्शन दूंगा, इसलिए मेरा एक कर्ज तुम्हारे ऊपर रहा। फिर मौका मिलते ही मैं बाकी के लोग को और पकिया को भी जान से मार डालता हूँ। फिर मैं जेल से रिहा होता हूँ और आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। फिर देखते हैं कि जिग्नेश भी कृष्णा को कॉल करता है और बोलता है, हमारा जाने का टाइम आ चुका है। फिर हम वासु को भी देखते हैं जो कि आ चुकी है। फिर अभिजीत बोलता है, मैं तो चिंता में था कि तुम लौट चुके हो, वासु क्या करेगी, चलो मेरा एक काम तो हो गया, तुम खुद ही दुबई जा रहे हो। तब कृष्णा मुस्कुराता है और बोलता है, अभिजीत का दूसरा मीनिंग कृष्णा ही होता है, चलो मैं भी ये देख के खुश हूँ कि वासु सही हाथों में है। फिर हम देखते हैं वासु जाते टाइम कृष्णा से पूछती है कि अभिजीत ने तुमसे क्या पूछा, वही ना कि उस दिन रात को क्या हुआ था। कृष्णा तब बोलता है, मैंने उतना ही जवाब दिया जितना जवाब तुमने दिया, वो हमारा खुद का सीक्रेट है, हम कभी भी किसी के साथ ये रिवील नहीं करेंगे। वासु फिर कृष्णा से माफी मांगती और बोलती है कि माफ कर दो। तभी कृष्ण बोलता है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, सिर्फ तुम्हारे सिवा। आज तुम खुश हो, उस मुकाम में हो, हमारा किस्मत में हो सकता है, सिर्फ इतना ही लिखा था, बाकी मुलाकात अगले जन्म में होगी।
फिर कृष्णा गाड़ी में बैठ के निकल जाता एयरपोर्ट के लिए। फिर हम देखते हैं कि ऊपर जाके अभिजीत से वासु मिलती है। फिर अभिजीत बोलता है, तो उसने आज भी सच नहीं बताया और तुम दोनों ने मुझसे कुछ छुपाया। आज ये खेल खत्म करते हैं, मुझे सच जानना है। फिर वासु रोती है और सब कुछ सच सच बता देती है। उस दिन रात में एग्जैक्ट सब कुछ सेम हुआ था, पर कृष्णा से वो खून नहीं हुए थे, वो खून वासु ने किया था। मरने के बाद जब पकिया भाग रहा होता है तब कृष्णा को वो दिख जाता है। कृष्णा फिर भागते भागते चावल फैक्ट्री पहुंचता है। वो देखते हैं कि बासु के साथ तीनों ने जबरदस्ती करने की कोशिश की और बासु ने एक रॉड लेके दोनों को खत्म कर दिया। सिर्फ पकिया बच के इधर से भाग गया। तभी कृष्णा वो रॉड वासु के हाथ से छीन लेता है और वो बोलता है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, पर तुम जेल चले गए तो मैं जीते जी खत्म हो जाऊंगा। मैं कुछ दिनों में ही लौट आऊंगा और मुझे सजा 20 साल की होगी, बासु ने सोचा था। कृष्णा के कहने पे वासु उधर से चली जाती है और बाकी का स्टोरी आप लोगों को पता है। कृष्णा को जेल हो जाती है पर वासु आज भी उसके लिए वेट कर रही है। फिर भी कृष्णा ने सोचा कि उसको अपना लाइफ जीने दे, क्योंकि 20 साल उसने खराब कर लिया। उसने ये सिर्फ एक किस्मती मान लिया कि इस जन्म में उन दोनों को मिलना नहीं लिखा है। थोड़ी देर बाद कृष्णा ने उसे बोल दिया कि जेल में मुझसे मिलने नहीं आना और तुम अच्छे से लाइफ बिताओ, यही मेरा इच्छा है, और वासु ने उसकी बात मान ली थी। मूवी के आखिर में हमको ये मैसेज दिया जाता है कि सच्चा प्यार का मतलब ये नहीं है कैसे भी करके उसे हासिल करो। सच्चा प्यार का मतलब ये होता है कि आपका प्यार कहीं भी रहे वो अच्छा रहे, चाहे वो आपके साथ हो या किसी दूसरे के साथ। प्यार का मतलब यही होता है, पार्टनर को खुश देखना। इसी के साथ ये कहानी खत्म होता है। और हाँ, आप लोग जाइएगा मत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।